ओके एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। भले ही आपने पढ़ रखी है, फिर भी अपन एकदम ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का टीवी नहीं आता हो, है ना? ओके ठीक है, दो तीन चीजें याद रखेंगे क्लासेस में, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, बट जब मैं समझा रहा हूँ तब नोट्स नहीं बनाएंगे। होमवर्क प्रॉपर करके आना है रोज, और होमवर्क करने का मतलब है अटेम्प्ट करना खुद से, भले ही सही आंसर आए चाहे गलत आंसर आए। जब आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करते हैं तब आपको वहां पता चलता है भाई कहाँ कहाँ अटक सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा तो वो चीज में दोबारा कभी नहीं अटकोगे। ओके ठीक है क्या? तो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, अच्छे से याद रखना, होमवर्क करना है, अटेम्प्ट करना है, कम से कम 80% जरूरी है, मिनिमम 80% जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका। ठीक है चलो, तो फैन ऑफ कर दें, इसकी आवाज नहीं तो रिकॉर्ड में आएगी। चलो तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे ज्यादा, इसका इतिहास नहीं देखेंगे, कहां से आई, कौन 500 साल पहले 1000 साल पहले कहां से क्या चीज आया, वो सब हिस्ट्री में अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना? बस सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है। आपका एक है ट्राय, एक क्या है ट्राय मतलब थ्री, पता है ना? ठीक है, और एक क्या है गॉन मतलब क्या होता है साइड्स, या फिर जो ज्योमेट्री का जो होता है ना गॉन, वहां से लिया गया ज्योमेट्री, गॉन का मतलब ज्योमेट्री बोलो या फिर साइड्स बोलो। एंड मेट्रॉन जो मेट्री बनी बाद में जाके, उसका मतलब होता है मेजर्स। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? तीन साइडेड फिगर के मेजर्स की बात कर रहे हैं। तो तीन साइडेड फिगर कौन सा होता है? ट्रायंगल। तो अपन ट्रायंगल में भी एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके मेजर्स के बारे में, उनके रेशियोज के बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो, और वहीं पर अगर आप आरडी शर्मा उठा लेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे टफ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, है ना? और आईसीएसई में देखना पड़ेगा कैसा है ना, इजी है। चलो वैसे इसका एक एक्सरसाइज आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज छोड़ दे तो बाकी बहुत ही ज्यादा इजी है। तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सुनना समझना और नोट्स बनाते जाना, क्योंकि चार महीने बाद मैं क्या पढ़ाऊं याद नहीं रहेगा, ये नोट्स रहेंगे तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए। तो नोट्स जब देखोगे तब पूरी क्लास वापस याद आ जाएगी, समझ में आया? चलो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ठीक है क्या? फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल के लिए, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स के लिए अपन वैल्यूज देखेंगे कि जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। ये पूरा डेटा याद करेंगे यहीं पर क्लास में बैठे बैठे, पूरा का पूरा डेटा याद करेंगे, ठीक है? फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन करेंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो तीन आइडेंटिटीज हैं, मतलब अपन को जो डिराइव करनी है यहाँ पर और जो पढ़नी है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आईसीएसई के हिसाब से भी तीन ही हैं, है ना? बट आरडी शर्मा में जाएंगे तो वहां पर जो आप लोगों के मैं क्वेश्चंस दिया उनको भी एज आइडेंटिटी यूज कर रखा है कहीं, है ना? तो मतलब एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का लेवल जमीन आसमान का अंतर है, है ना? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरडी शर्मा नहीं अटेम्प्ट करनी है, बट एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए फिर कोई भी रेफरेंस बुक यूज करो, चाहे आरडी शर्मा हो, मंजीत सिंह हो, एस चंद हो, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो रेफरेंस बुक, वो एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद। एनसीईआरटी आपका बेसिक्स है, आपका थ्योरी को रटाने के लिए, जो आपने फॉर्मूले पढ़े, थ्योरी पढ़ी, वो पूरे को आपके अंदर घोलने के लिए एनसीईआरटी, इजी क्वेश्चंस, है ना? कि वो हो जाए फिर आप जरूर कीजिए, रेफरेंस बुक जरूर कीजिए कोई ना कोई, इनको जरूरत नहीं है, इनकी ऑलरेडी बुक रेफरेंस बुक से कम नहीं है, है ना? एसएससी वालों की, बाकी सबको रेफरेंस बुक कोई ना कोई बाद में यूज करनी चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है क्या? तो इस चैप्टर में अपन ये पूरे क्वेश्चंस के साथ साथ ये सारी चीजें करेंगे, है ना? और फिर उसके साथ उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है जो अपन तुरंत इसके बाद करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, या कई के बुक में रहता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर बेस्ड है कि ट्रिग्नोमेट्री भाई डे टू डे लाइफ में क्या काम आ रही है, है ना? आज अपन अर्थ का साइज जो है वो बता पाते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अर्थ का जो रेडियस है कैसे निकाले यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी प्लैनेट कितना दूर है, कोई सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, ये सब अपन निकाल पाते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एक बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है बिना नापे, बस दूरी नाप के, तो आप निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब जो प्रैक्टिकल डाटा है ये जो अपन यूज करेंगे वही क्या है अपना नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
हाइट एंड डिस्टेंस, कई की बुक में हाइट एंड डिस्टेंस नाम से है, कई की बुक में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ में बता दिया है ना, अपन अर्थ का रेडियस निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं बिल्डिंग का, है ना, एयरप्लेन की साइड में उड़ रहा है, नेविगेट कर रहा है, सब चीज अपन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर सकते हैं, पूरी की पूरी सारी चीजें। चलो तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कोई भी ट्रायंगल हो, कितने साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल कितना है 90, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90, और अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों एक्यूट होंगे कि ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बचे हुए जो दो एंगल हैं उनको हमेशा ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, हमेशा एक्यूट होना पड़ेगा कि वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, कोई एक नहीं हो सकते भैया, कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ो कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, अब अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 है और 180 में से अगर आप एक भी एंगल 90 कर दिए तो इन दोनों का सम तो 90 से कम ही होगा या 90 के बराबर होगा, तो ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बचे हुए दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, एक्यूट, याद रखना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, एक्यूट, ठीक है क्या, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 हो गया तो ये एंगल और ये एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, तो ऑब्वियसली बताओ ये एक 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो 90 90 180, तो इसीलिए ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये बेसिक बात है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यूज करेगा, इफ साइन ए इज दिस व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप पता होना चाहिए ना भाई कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल ट्रायंगल का, समझ में आ रहा है, तो सवाल में यूज करेगा आप, क्योंकि ये चीज 10th की नहीं है, 9th में पढ़ाई गई है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है ना, 8th में भी थी लाइंस एंड एंगल्स में, है कि नहीं, तो इसीलिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा, तो पता चला ट्रिग्नोमेट्री पूरी आती है, बेसिक्स में लटक गए, तो ये चीज ना हो, है ना, तो इसीलिए तो ये दोनों एंगल को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो इसमें इरेजर काम नहीं करेगा, चलो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहां पर बना रहा, हाँ ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, अब मेरे को ये बताओ इसमें से P कौन, B कौन, H कौन, सबसे पहले बताओ H कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट, ये मैं नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो, A, B और C। हाइपोटेनियस कौन सा है, सबसे बड़ा साइड, एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बताओ, डिपेंड्स ऑन एंगल, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को डिफाइन करूं कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, कौन सा होगा, और इस एंगल से जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो होगा बेस, है ना, और ये चीज साफ साफ लिखी हुई है हर बुक में, आपके आईसीएसई में भी लिखी हुई है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, एकदम साफ साफ लिखी हुई है कि एंगल डिफाइन करे बिना आप परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक आप एंगल डिफाइन नहीं करोगे कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, अगर मैं इस एंगल की बात करता इस एंगल की तो इसके सामने वाला ये बन जाता परपेंडिकुलर और इससे जुड़ा हुआ ये बन जाता बेस। अब कई लोग के दिमाग में होता है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो ये पी ये बी और ये एच, क्या भाई क्यों, जरूरी है, जरूरी है नहीं, कई जगह ऐसा बताया भी जाता है, जैसे मैं छोटा था ना तो मेरे को यही बताया गया था कि भैया ये जो सीधे परपेंडिकुलर दिख रही है ना परपेंडिकुलर टाइप, ये परपेंडिकुलर हो गई नीचे वाली बेस, बट भैया ये ऐसा जनरली क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जनरली ये एंगल लेते हैं अपन तो उसके हिसाब से ये पी होता है और ये बी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सीधी वाली लाइन को पी बोलो और नीचे वाली लाइन को बेस बोलो, समझ में आ रहा है, वो एंगल के हिसाब से डिफाइंड होता है कि अगर ये एंगल हो गया तो ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा बी। तो तीनों की डेफिनेशन देख लो क्या क्या है, हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो राइट एंगल है 90 डिग्री उसका अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हो गया हाइपोटेनियस,
इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट ट्राइंगल. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है. मैडम मैं पढ़ा लूं फिर लिख लेना, बोल देना कि सर टाइम दे दो लिखने का, है ना. ठीक है, द एडजेसेंट लेग इज द आउटर साइड दैट इज एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस. एडजेसेंट जो जुड़ा हुआ है, एंगल से जुड़ा हुआ साइड है एडजेसेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस. और जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड टू द अपोजिट टू द एंगल थीटा, और ये थीटा, ये जो थीटा है ये एक सिंबल है, जैसे ग्रीक का सिंबल है, पाई सिंबल है, सिग्मा रो अल्फा बीटा गामा, ये सब ग्रीक के सिंबल्स हैं. वैसे ही थीटा भी ग्रीक का सिंबल है, जिसको यहां पर अपन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल के लिए. किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहां पर मैं इसको अगर नाम देता ए बी सी, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था एंगल सी, तब भी यही होता. लेकिन अगर मैंने यहां पर ऐसे एंगल बना के लिख दिया थीटा, तो मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, और इस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, थीटा. बस इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है, थीटा से कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, थीटा वर्ड यहां पर खाली सिंबल है जो क्या बता रहा है, एंगल. थीटा वर्ड यहां पर सिंबल है जो क्या बता रहा है, एंगल. ठीक है, तो ये थीटा यहां पर सिर्फ एंगल बता रहा है, अगर इसके जगह एंगल सी बोलते तो भी कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसका कंफ्यूजन नहीं रखना है. तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और एंगल से जो जुड़ी हुई एडजेसेंट साइड से उसको बोलेंगे बेस, और जो 90 के अपोजिट वाली सबसे बड़ी साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज. ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख दो इसको. वैसे ऐसी ऐसी वालों को जरूरत नहीं है लिखने को, नाइन्थ का ये एट में भी ठीक बताओ. अभी सवाल पूछूंगा तो सबसे कम आंसर यही देगा. फैन बंद करते ही गर्मी लगने लग गई. क्या कर रहे हो? ठीक है, सिंपल, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, है ना, एंड अपोजिट टू एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज बेस. बस तीन लाइन भी लिखोगे तो चलेगा. एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, जुड़ा हुआ जो भी है ना. चलो आगे बढ़े. तुम्हारे में सीधे आइडेंटिटीज यूज हुई हैं. आइडेंटिटीज पिछले साल नहीं थी क्या? पीछे बेसिक्स थी अभी. अच्छा, उसमें तीन होंगी और इसमें ज्यादा होंगी. पीछे पूरा चार्ट है. तुम क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो. अगर ये बेसिक्स आती है तो क्वेश्चन कर सकते हो. एट से पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, फिर भी रिविजन. हाँ आगे बढ़े. ठीक है, तो पी वी एच हमेशा याद रखना. हाइपोटेनियस आप डिफाइन कर सकते हो, चाहे एंगल डिफाइंड हो या ना हो. ठीक है, बट परपेंडिकुलर और बेस आप तभी डिफाइन करोगे जब एंगल डिफाइंड हो. ठीक है क्या? चलो अब आ जाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो नाम दिए हैं, है ना. कई बार लोगों को लगता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, भाई कितने बड़े बड़े टर्म है. कुछ भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में अभी अपन ने देखा तीन साइड्स होते हैं. देखा कि नहीं? देखा. राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तीन. अब ये तीन, अगर मान लो कोई भी तीन चीज है, उसको आपको दो दो छांट के उनका पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बनेंगे? छह पेयर बनेंगे. मान लो तीन लोग हैं, तीन लोग में से दो दो को उठा के उनका पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? अगर आप उनको अलग अलग मानो, जैसे ए और बी और बी और ए, उनको अलग अलग मानोगे तो कितने बनेंगे? छह. ठीक है, एक बार ए को छोड़ दिया, बी और सी को ले लिया, एक बार बी को छोड़ दिया, ए और सी को ले लिया, एक बार सी को छोड़ दिया, ए और बी को ले लिया, है ना.
तो तीन पेयर ये बने और तीनों को आगे पीछे कर दोगे तो एक एक और, तो छह पेयर है ना। तो वैसे ही तीन साइड्स हैं एच पी और बी। अब इन्हीं का जो रेशियो है, जैसे अपन ने क्या बोला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको अपन ने नाम दे दिया क्या साइन थीटा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, साइन थीटा बोलो या अगर ए होता तो साइन ए लिखता मैं, बात समझ में आई। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर थीटा की जगह मैं ए भी लिख सकता था, कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है। तो साइन थीटा पी बाई एच, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को अपन ने क्या नाम दे दिया साइन थीटा। बस बात समझ में आई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस डर हटाना पड़ेगा। एक बार डर हट गया ना तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे पहले इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि सबसे लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर पाए, है ना ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको रिवीजन की जरूरत है ही नहीं, पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक एपीजीपी, ये सबको रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, मतलब एग्जाम टाइम बस नोट्स पढ़ लिए हो गया, पूरा लेक्चर अगर तो बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई। और ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि नया हो जाता है, तुमों के लिए तो नहीं है बट हाँ बाकी लोगों के लिए नया है क्योंकि पहली बार आया ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। तो बस P बाई एच को क्या नाम दे दिया साइन थीटा, B बाई एच को नाम दे दिया क्या कॉस थीटा। बस भैया नाम दे रहे हैं, ये जो रेशियो है P बाई एच उसको नाम दे दिया और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बात समझ में आई। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का सिर्फ रेशियो है जिसको नाम दे दिया साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। भाई साहब हाँ, तो P बाई एच हो गया B बाई एच, फिर P बाई बी P बाई बी, कोई उठक बैठक करने वाला है अभी, ठीक है। P बाई एच को नाम दे दिया साइन थीटा, B बाई एच को नाम दे दिया कॉस थीटा, P बाई बी को नाम दे दिया टेन थीटा, और इन्हीं का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, H बाई पी इसको क्या नाम दे दिया कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा हो गया इसका उल्टा H बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा जो होता है B बाई पी, ठीक है क्या। तो बस नाम दे दिया अपन ने, अब इसको ऐसे भी लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर, बोले भैया ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक, जैसे तुमसे कोई नाम पूछता तो कोई गाना गाते हो नाम याद रखने के लिए, नहीं वो डायरेक्ट याद है ना, वैसे ही ये इतनी यूज आएंगी डायरेक्ट कि भैया ये नहीं कर सकते आप बार बार पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हरर बोले पंडित बद्री प्रसाद, है ना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब करने का टाइम नहीं, ये डायरेक्ट याद हो जाएंगी और करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पूरा होमवर्क की इज्जत से कर लिए ना अगर आप लोग तो ये अपने आप याद हो जाएंगी। साइन थीटा मतलब पी बाई एच, टेन थीटा मतलब पी बाई बी, बात समझ में आई। तो गाना आना याद रखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद होंगी ठीक है। तो इनको एक बार लिख लो फटाफट से लिख लो इनको एक बार, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का जो रेशियोज है पी बाई एच उसको नाम दे दिया साइन, पी बाई एच उसको नाम दे दिया कॉस, पी बाई बी उसको नाम दे दिया टेन, और उनके रेसिप्रोकल को नाम दे दिया कोसेक सेक और कॉट, इनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा सबका भी। कितने लोगों को याद है सबके फुल फॉर्म सबके, ठीक है। अरे ये सब शॉर्ट है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका फुल नेम खैर वो काम का नहीं है, वो खाली ऐसे ही थोड़ा सा रोलबाजी के लिए। नहीं आएगा येलो कलर से लिखना था क्या, रेड उतना नहीं दिख रहा क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया थिकनेस बढ़ाने का, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया है काम यार अच्छे से। मतलब कितने साल हो गए ये डिजिटल पैनल को आए, अभी तक एक ढंग का सॉफ्टवेयर नहीं है बनाया किसी ने इसमें यूज कर। पैनल अच्छा है मैं बोल रहा हूँ, पैनल में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, किसी में पीपीटी चलता है तो पीडीएफ नहीं चलता, किसी में पीडीएफ आता है तो ब्लर हो जा रहा है, किसी में थिकनेस का ऑप्शन नहीं दिया, किसी में कुछ नहीं दिया है, 10 सॉफ्टवेयर को ट्राई कर लिया हूं मैं इसमें। हाँ ठीक है,
चलो अब फुल फॉर्म देखो, साइन जो है ये अपन शॉर्ट में बोलते हैं किसका, एस आई एन ई, उसको भी साइन ही पढ़ेंगे, है ना, तो साइन का ही शॉर्ट है साइन। कॉस जो है वो है कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, कॉस। टेन जो है वो है टेंजेंट, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म, टेंजेंट क्या होता है पता है ना, एक ऐसी क्या भाई साहब कहां से पढ़ गया है? टेंजेंट एक जैसे मान लो ये कर्व है, तो एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके पास हो उसको बोलते हैं टेंजेंट, और ये वही वाला टेंजेंट है। बात समझ में आई, ये वही वाला टेंजेंट है कि भैया कोई भी कर्व है, मान लो ऐसा ऐसा कर्व है, तो इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट को सिर्फ एक जगह टच करके जाएगी, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, और ये वही टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है। कोसेक होता है कोसेकेंट, अच्छा सेकेंट क्या होता है कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज सेकेंट? किसी भी सर्कल में कोई भी लाइन जो उसको दो जगह से कट करके पास हो उसको बोलते हैं सेकेंट, जो एक जगह से टच करके जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट किसी भी सर्कल में, और किसी भी सर्कल में कोई लाइन जो है उसको दो जगह से काट रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंट। तो ये हो गया सेकेंट और ये हो गया कोसेकेंट, कोसेक, सेक मतलब सेकेंट, कोसेक मतलब कोसेकेंट, और कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट। ये सेक, ये कॉस, कोसेक, ये टेन, ये कॉस, ये साइन। बात समझ में आई? खैर ये फुल फॉर्म रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये बस ऐसे जानकारी के लिए था कि भैया टेन कहां से आया, उसका फुल नेम है क्या एक्चुअल में जो अपन रट रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मेन काम वही है, इनके शॉर्ट नेम ही काम क्या है ना। चलो अब आता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत आसान जाने वाला है आपका, स्टार्टिंग के सारे एक्सरसाइज आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज अपन लास्ट में करेंगे, चाहे आपके बुक में पहले दिया हो चाहे लास्ट में दिया हो, ठीक है, आइडेंटिटी वाला। और आइडेंटिटी में भी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद हद से ज्यादा इजी है, क्योंकि चार या पांच मेथड अगर आप याद कर लोगे उसके अलावा कोई मेथड लगेगा ही नहीं आइडेंटिटी में, यही ट्रिग्नोमेट्री में है ना, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ मैं अपने टाइम में गलती कर दिया था, हम लोग के मैं चलती थी उस समय वहां पर कोई अग्रवाल करके बुक थी और उसमें थी नहीं पता नहीं, रेड कलर की थी, इतनी मोटी सी थी मेरे को अभी याद नहीं है, टेंथ का उतना, और उसके मैं क्वेश्चन उठा लिया था ट्रिग्नोमेट्री के, ऐसा डिमोटिवेट हो गया था डायरेक्ट, एनसीईआरटी बिना करे मैं डायरेक्ट उठा लिया था, और इतना डिमोटिवेट हो गया था कि भाई साहब ऐसा डर बैठ गया था ना, मैं एग्जाम में भी छोड़ के आया था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आधा आधा करके, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी करना है ना, शायद ऐसे अब तो कवर ओवर चेंज हो गया होगा, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी करना या पहले जो आपके टेक्स्ट बुक है पहले वो करना, उसके बाद जरूर उठाना मैं बोलूंगा, है ना, पता तो चले ट्रिग्नोमेट्री की औकात कितनी है, है ना, ठीक है। चलो तब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, छह रेशियोज याद हो गए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बोलो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब उनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, जैसे आपने लिख दिया एक बार साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, तो साइन के सामने वाला जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं लेकिन इनको अलग अलग फॉर्मूला में सोचना रटने वाला, समझ रहे हो, ये ऐसे याद रखना है कि सामने सामने वाले एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। अब ऐसे करोगे तो फिर तुमको लगेगा भाई इतने 20-20 फॉर्मूले याद करने हैं, भाई 20 फॉर्मूले थोड़ी हुए, ये सिंपल 1/sin θ इज कोसेक थीटा, 1/cosec θ इज साइन थीटा, 1/cos θ इज sec थीटा, 1/sec θ इज, अब ये इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, ये बात समझ में आ रही है क्या, 1/tan θ इज 1/cot θ इज tan थीटा। अब ये इतने सारे अगर आप बोल दो कि सर 6-6 टुक फॉर्मूले हो गए, ये 6-6 टुक फॉर्मूले नहीं है, सिंपल याद रखना है सामने सामने वाले एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, बस। तो ये आपका एक ही में कंप्लीट हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, ठीक है, याद हो गया, एक बार माइंड में कर लो।
माइंड मैप करना बहुत जरूरी है, एक बार माइंड में मैप बना लो इसका। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। कल मैं 150 लोगों को मैसेज भेजाऊं, व्हाट्सएप में पांच पांच करके। शुभ जो डाटा दिया था, मात्र 20 बच्चों का डाटा दिया था, बाकी बोला मेरे में सेव है। कितने लोगों के नंबर सेव थे उसके में? 35। जो ये भेजा है उसमें से 35 नंबर और मिले हैं। मैं बोला पूरी क्लास का नंबर सेव कर रखा है क्या वो? चलो हाँ चलो, तो ये रिलेशन समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। और है देखो, अब कैसे याद रखना, और इधर देखो सबको पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है ना। साइन बाई कॉस होगा 10, साइन बाई कॉस होगा कैसे? देखो साइन क्या था आपका? पी बाई एच, ये था साइन। कॉस क्या था? बी बाई एच। दोनों को डिवाइड करूंगा तो एच एच एक दूसरे को मार डालेंगे, क्या बच जाएगा? साइन बाई कॉस करूंगा तो साइन बाई कॉस करूंगा तो क्या बन जाएगा? पी बाई बी। और पी बाई बी क्या होता है? देखो टेन थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कोसेक बाई सेक, कोसेक बाई सेक। तो सिंपल, साइन बाई कॉस इज टेन, कोसेक बाई सेक इज कॉट। याद रहेगा, लिख भी देता हूं है ना। साइन बाई कॉस इज टेन, कोसेक बाई सेक इज कॉट। याद रहेगा, ठीक है। अब उल्टा करोगे, अगर उल्टा करोगे, कॉस बाई साइन तो कॉट बन जाएगा, सेक बाई कोसेक तो टेन। सीधा सीधा आ रहे हो, अगर साइन बाई कॉस तो टेन, कोसेक बाई सेक इज कॉट। लेकिन जब आप उल्टा कर दोगे तो इधर चल जाएंगे, ठीक है। तो कॉस बाई साइन इज कॉट, ठीक है, सेक बाई कोसेक इज टेन, साइन बाई कॉस तो टेन, साइन बाई कॉस इज टेन, कोसेक बाई सेक इज कॉट। लेकिन जब उल्टा करोगे कॉस बाई साइन तो क्या बन जाएगा? कॉट। और जब यहां पर उल्टा कर दोगे सेक बाई कोसेक तो क्या बन जाएगा? टेन। वो भी लिख देता हूं, बस फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नोट डाउन कर लेना इसको, उसके बाद नोट डाउन कर लेना है ना। यहां पर लिख देता हूं, और तुम बच्चों जैसे कंप्लेन क्यों कर रहे हो? अभी 2-4 साल के जो 5 साल के बच्चे आ रहे हैं ना, वो कंप्लेन करते हैं, सर सर वो झूला में बैठ गया। हाँ चलो, cos by sin sec by cosec is, लिखो जल्दी से, कितने हुए? 6, 7, 8, 9, 10। बट ये 10 नहीं है, है ना। वैसे माइंड मैप से याद करोगे तो 2 ही है मान के चलो। दो चार जन का 2 भी रिप्लाई है, मैसे लिखा था ना, ज्यादा जानकारी के लिए 1 रिप्लाई करें, और भविष्य में हमसे कोई मैसेज नहीं चाहिए तो 2 रिप्लाई करें, क्योंकि एक साथ अगर 10-15 लोग ब्लॉक कर देंगे तो मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा परमानेंट। नहीं, खाली ब्लॉक करेंगे तो नहीं, ब्लॉक एंड रिपोर्ट करेंगे तो।
नवोदय का कल एक और बच्चा आया था ना, क्या नाम है, क्यों नहीं आया आज? ठीक है आगे बढ़े, है ना, रुक जाओ क्वेश्चन पे आते हैं अभी, उससे पहले फटाफट आंसर देंगे, है ना एकदम। हाँ भाई साहब, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, रुको, साइन बाई कॉस, टेन, जल्दी जल्दी आंसर देना है, कॉस बाई साइन, वन बाई साइन, थोड़ा जल्दी देना है भैया, ठीक है, वन बाई सेक, कॉस, वन बाई टेन, कॉट, वन बाई टेन, टेन का रेसिप्रोकल, वन बाई टेन मतलब उसके आगे वाला कॉट, ठीक है, वन बाई कोसेक, माइंड में मैप करो ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे पहले, माइंड में मैप करो जल्दी से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, छह डिजिट को एकदम, ये छह वर्ड्स को एकदम माइंड में बैठा लो, तीन इधर बैठा लिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट बैठा लिए माइंड में, अब आगे आगे वाले रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन बाई कॉस टेन, कोसेक बाई सेक कॉट, कॉस बाई साइन इज कॉट, एंड सेक बाई कोसेक इज टेन, बात समझ में आई, बैठाओ माइंड में बैठाओ, ठीक है। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में बताना है, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉपी में क्या देख रहे थे, साइन थीटा, हाँ कॉट थीटा, कॉट थीटा बोला भैया मैं, तुम लाइन से सोचे कि लाइन से पूछूंगा, हाँ लाइन से नेक्स्ट वाला आंसर दे दिए, हाँ ठीक है। तो ये रेशियोज अभी देखो, चलो ठीक है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बट अभी आने वाले टाइम में जब आप होमवर्क करोगे तो ये एकदम घुल जाना चाहिए ब्लड में, है ना, कि सोचने का भी नहीं, तुरंत आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे, है ना, अभी अगर नहीं याद हुआ है तो आप पन्ने पलट सकते हो, ठीक है, बाकी कोशिश करना है अपन को जल्दी भी दें और एक्यूरेसी भी दें, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में सर ये टू को ये लिख दिया, प्लस को माइनस कर दिया, ये काम नहीं होना चाहिए, तो जल्दी करना है, मैं जब भी बोलूं कि जल्दी करो, लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड है, एक्यूरेसी का ध्यान दो, सबसे ज्यादा नहीं तो दुख होता है कि भैया आता हुआ क्वेश्चन अपन ने जल्दी जल्दी में सर मैं प्लस को माइनस कर दिया, टू को गलती से फोर देख लिया, होता है कि नहीं है, और सबसे ज्यादा दुख इसी का होता है, भाई कोई क्वेश्चन नहीं बना तो दुख नहीं होगा, लेकिन बन रहा था क्वेश्चन और गलती से कुछ और लिख के आ गए, उसका सबसे ज्यादा दुख होता है, तो मैं बोलता हूँ जल्दी तो करना है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन तो है ही पूरी दुनिया में अभी, है कि नहीं, तो कॉम्पिटिशन है तो जल्दी तो करना है, लेकिन सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, एक्यूरेसी, क्या ध्यान रखना है, कि गलती कम से कम हो, होंगी गलती, हटा तो कोई नहीं सकता, लेकिन कम से कम हो, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। चलो तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ट्राई करो, गलत सही कुछ भी ट्राई करो अपने मन से, और आज अगर तुम दोनों डिस्कस किए ना, दोनों को उठक बैठक कराऊंगा, कैमरे के सामने बता दे रहा हूं मैं, ये लाता है मतलब दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करोगे, इनको बोल के आना पड़ेगा, हल्ला कम करो भैया, मेरा माइक रिकॉर्ड ले रहा होगा सर, गलत सही कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे, एक बार अपना दिमाग लगाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बता दूं, वैसे तो मानना ही है तुम लोगों को, बट अगली बार से हर क्वेश्चन में एक टाइमर भी दे देता हूं, और वो दे देता हूं यहां पर पहले से बजर, टाइमर के एंड में अपने आप बजर बजेगा, केबीसी में बजता है ना वैसा, और ये हर क्वेश्चन के स्लाइड में वो म्यूजिक भी दे देता हूं केबीसी वाली। इंटरेस्टिंग आइडिया, हाँ आंसर आया,
चलो देखो इधर, बस बनने वाला बस। और 5 मिनट और 1 मिनट हो गया, तो एबी की वैल्यू तो रखो, तो निकालो भाई, तो ऐसे थोड़ी ना एबी के टर्म में लिखोगे, निकालो क्या लगाओगे। हिंट, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है भैया, पाइथागोरस थ्योरम आता है कि नहीं? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता? आओ मैडम आओ कैमरा के सामने आओ जरा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास में पढ़े थे क्या, 8th या 9th में, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ये साइड निकालनी है, तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे। निकालो, आ गई ये साइड, कितनी आई? 4। और ऐसे भी याद रखना 3 4 5 होता है हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल सी के लिए, मतलब साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और टेन सी, कॉट सी, ठीक है? हो गया, ठीक है। चलो देखो इधर, इधर देखो, बस इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, टाइम रख दो। ये एंगल के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये कितना आ जाएगा? 4, मतलब 5 5 25 - 9 16 का अंडर रूट 4 आ रहा है। चलो अब ये 4 आ गया, अब इस एंगल के लिए लिखना है, तो साइन सी, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अभी याद नहीं है तो अभी पन्ना पलट सकते हो, लेकिन महीना भर के अंदर याद हो जाएगा, जब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, महीना भर बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है? अभी नहीं याद हो रहा है तो पन्ना पलट सकते हो, और स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चंस करने बैठे हो, सामने अगर थ्योरी कॉपी रखी हुई है तो वो कोई गलत बात, जब आप सेकेंड टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तब आगे अगर कॉपी रखी हुई है तो वो गलत बात है, समझ रहे हो? पहली बार में तो भाई ये क्वेश्चंस आपको थ्योरी रटाने के लिए ही है, तो थ्योरी रखोगे सामने तब तो होगा, आप ये सोचोगे कि नहीं भाई बिना थ्योरी रखे आगे बिना फॉर्मूला रखे हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है? तो साइन होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 4/5, कॉस होगा 3/4, बेस बाई हाइपोटेनियस 3/5, टेन होगा 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस, अब इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दो क्या आ जाएगा, कोसेक, सेक और कॉट, 5/4, 5/3, 3/4, किसके पूरे आए थे, 6 के 6, 3 लोग के, 4 लोग के बस। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये भी वैसा ही है, सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है, फटाक से थ्योरी रटाने के लिए है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बस। आज का ये सोचा था YouTube में लाइव करूंगा, टाइम ही नहीं मिला। मैक्सिमम लोग देखे ही नहीं है मैसेज अभी तक, लोगों को भेजाऊ मैं कल, अभी तो आत्मानंद के बच्चे बचे हैं मैसेज भेजना। तो अंडर रूट 29 प्राइम नंबर है तो वैसे ही छोड़ो ना, उसको सॉल्व करना जरूरी है क्या, उसके टर्म में निकालो आंसर, इतना क्या कंफ्यूज आ गया 29 देख करके। हो गया, हुआ सबका? बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कितना समय लगा रहे हो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में, लग गया।
चलो सबसे पहले ये साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 5 25, 2 into 2 4, अंडर रूट 25 + 4, अंडर रूट 29, 29 प्राइम नंबर है ना, तो उसका कुछ निकलेगा ही नहीं है ना, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है कि पेयर बना के आप बाहर निकाल लो, अगर पेयर बना के बाहर निकल रहा है तो निकालना पड़ेगा, बात समझ में आई, जैसे मान लो अगर अंडर रूट 8 है तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, 8 क्या लिखा हुआ है, 2 into 2 into 2 लिखा हुआ है क्या, तो दो 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2√2 ऐसे छोड़ोगे, ऐसे नहीं छोड़ोगे इसको, बात समझ में आई, ठीक है क्या, जब भी अंडर रूट 8 लिखा है तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते आंसर को, कुछ बाहर आ रहा है ना, 2 बाहर आ रहा है तो 2 बाहर निकाल के 2√2 ऐसे लिखोगे, लेकिन यहां पर अंडर रूट 29 में कुछ बाहर नहीं आ रहा है, समझ में आया, तो उसको आप वैसे का वैसा छोड़ सकते हो, ठीक है, बस अब साइन सी क्या हो जाएगा, 5/√29, कॉस सी क्या हो जाएगा, 2/√29, टेन सी क्या हो जाएगा, 5/2, और इनका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक सेक और कॉट, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए था ताकि ये पता चल जाए तुम लोगों को कि भैया अंडर रूट में आ रहा है तो वैसे का वैसा छोड़ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ साइन ए इज 1/2, इफ साइन ए इज 1/2 देन फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए के लिए, इफ साइन ए इज 1/2, इसको अभी आप लोगों को मैं आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया हूं तो नॉर्मल रेशियो वाले मेथड से करना है, वैसे इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है आइडेंटिटीज, लेकिन जब वो मैं आइडेंटिटीज पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको वो करना है फॉलो, जल्दी से, इफ साइन ए की वैल्यू, गलत सही कुछ भी अटेम्प्ट करना है, थ्योरी देख सकते हो पीछे अपना, है ना, अपना दिमाग लगाना है क्या हो सकता है, दया दिमाग लगाओ क्या हो सकता है ना, क्वेश्चन में कुछ तो सुराग होगा, सीआईडी वाला दिमाग लगाओ, वो हैमर वापस कराना उनका नहीं, कल वो अंबिकापुर से लगाए थे तुम, है ना, उसको देख के आओ, हैमर को देख के आओ, कितना बोला है, एक टाइम यूज हुआ है, 200 रुपए दे देना, हाँ हुआ, कितने लोगों का आंसर आ गया, सही गलत कुछ भी आंसर आया है, अटेम्प्ट करो सही गलत कुछ भी, डर हटा के जो मन में आ रहा है वो अटेम्प्ट करो, वो दो कॉपी में सेम चीज मत बोलना फिर से, वो वैसे वाला गोदने वाला, अगर साइन ए 1/2 है तो कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, ये बताना है, लगेगा वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दिमाग लगाओ, वैसे सॉल्व करने के लिए ये ठीक है, लेकिन जब भी कॉपी में करेंगे ना तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 और 2 तुमने मान लिया, वो 1k 2k आएगा और वो √3k आएगा, कांस्टेंट कुछ भी रेशियो है ना, जरूरी थोड़ी वो 1 और 2 हो, 2 और 4 भी तो हो सकता है, कट के रेशियो तो 1/2 ही आएगा, तो उसके मल्टीपल में होगा ना, तुम क्या क्यों ये भी 1 और 2 लिया है, सेम नहीं, ये सॉल्व करने अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या कॉम्पिटेटिव पेपर है तो उसके लिए तो बिल्कुल सही है, अरे मैम ये तो कटेगा ही मेरे को मालूम है ना, बट अगर जब थ्योरी को लिख रहे हैं मान लो तो उसमें वो लिखना पड़ता है, चलो देखो यार हुआ अटेम्प्ट, दिमाग लगा लिए एक बार, दिमाग लगा लिए भाई साहब, है ना, चलो तो अब देखो साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, और साइन थीटा क्या होता है, P/H, अब आप लोग P को डायरेक्टली 1 और H को डायरेक्टली 2 नहीं मान सकते थ्योरी में, हाँ अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मान सकते हो, आंसर आ जाएगा, बात समझ में आई, बट एक्चुअल में P/H का रेशियो है 1/2, तो हो सकता है ना P2 हो H4 हो तब भी तो रेशियो 1/2 आएगा, समझ रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है
कि भैया P मान लो आपका 3 है और ये 6, तब भी रेशियो कितना आ रहा है 1/2, ये 5 और ये 10, तब भी रेशियो कितना आ रहा है 1/2, तो मतलब आप P को 1 और H को 2 नहीं मान सकते, आप बोलोगे भैया इनका मल्टीपल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना, जनरलाइज में जो एक्चुअल में पी और एच है वो 1/2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, या तो जैसे 2/4 हो या 3/6 हो या 5/10 हो, समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए अपन हमेशा क्या मानते हैं, जनरलाइज लेकर के चलते हैं। तो अपन क्या मान ले रहे हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट, जैसे के यूज कर लो या आपको एक्स यूज करना है एक्स यूज कर लो, जो आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। अपन मान लेते हैं लेट पी बी 1 × x, देन h will be 2 × x, x, k, t, कई बुक में अलग अलग माना जाता है, आपके ऊपर आपको क्या मानना है, t मानना है, p मानना है, k मानना है, x मानना है, आप जो भी मान सकते हो। बात समझ में आई? और ये कॉन्स्टेंट क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आ गया? क्योंकि एक्चुअल में p और h की वैल्यू 1/1 और 2 नहीं है, वो उनका रेशियो 1/2 है। बात समझ में आई? तो एक्चुअल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया 1x और इसको मान लिया 2x। तो अब यहां पर लिख दूं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा सी बी, हाँ ठीक है, इस एंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपना एक्स, हाइपोटेनियस कौन सा होगा इसमें सी ए, है ना, तो वो कितना दिया हुआ है 2x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये साइड निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं क्या, चलो तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो 2×2 = 4x² माइनस x² b² आ गया, तो b² की वैल्यू आ गई 4x² माइनस x² कितना हो गया 3x², अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो √3, और ये तो √, और ये कट गया तो √3x, तो ये आ गया √3x। अब बता दो, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको मिल गए, फिर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेगा आप वो बता दोगे, है ना, तो बस यही था दिमाग लगाना कि भैया पहले आपको कोई एक रेशियो दे दिया, जैसे यहां पर साइन दिया है, आपको 6 में से कोई भी एक रेशियो दे दे तो आप बाकी सारे रेशियोज निकाल सकते हो, यस और नो। बस एक थ्योरम है यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ठीक है, नहीं जब आइडेंटिटीज अपन निकालेंगे तो आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालेंगे, तो अगर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ही रहे हो। बात समझ में आई? तो अब बाकी सारे बता दो, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, √3/2। अरे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता क्या है, b/h, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये b और ये h, तो √3x/2x, x ने x को बेरहमी से, तो कितना आ गया √3/2। tan a, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, तो p/b, तो x/√3x, x कट गया 1/√3। कि अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी सारे निकाल सकते हो, पक्का, ठीक है। अब देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है, मान लो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, tan a is 1, tan a is 1, tan a is 1, find all trigonometric ratios, tan a is 1, find all trigonometric ratios, गलत, कुछ गलत है, देखो tan a दिया हुआ है आपको 1, tan a की वैल्यू दी हुई है 1, 1 मतलब 1/1 लिख सकते हो ना, बाकी यही प्रोसेस पूरा दोबारा करना, ये वाला, ये 1 ये 1, तो ये √2 आएगा, एल्गोरिथम लगाओ, tan a की वैल्यू 1 है, भाई साहब बुक बंद कर दो, उसमें से देख के नहीं लिखना है, क्या हुआ, tan
कोई एंगल है tan थीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है 1, तो बताओ sin थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, बस सेम ये मेथड से, सेम जो भी मेथड किए ना सेम उस मेथड से करना है, ठीक है। दिमाग लगाओ, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, अपना पूरा जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो एक बार, क्योंकि गलती कर करके ही सीखोगे। एक्स तो आएगा ही नहीं भैया, वो तो कटना ही है आंसर में हमेशा, हो गया अब करेक्ट है। हाँ, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, अटेम्प्ट करो, गलत सही कुछ भी वो दो, 1/√2 तुम्हारा है साइन ना, कॉस कोसेक सेक, सही है। जल्दी करो भैया, जीरो आ रहा है तुम्हारा भाई साहब, भाई साहब में सिर में जीरो आ रहा है, हाइट को क्यों किया हो, नहीं नहीं हाइट को, हाइपोटेनियस को क्यों किया हो, डिस्कस नहीं करना है अपना, अटेम्प्ट करो। हाँ तो फॉर्मूला देख के क्यों ही कर रहे हो तुम उसको बंद, तब ठीक हो जाएगा। ब्लैंक दिया इसमें, इधर देखो tan a की वैल्यू आपको क्या बोला मैं, तो 1 को अगर 1/1 लिखूं तो सेम है ना, 1 लिखूं या 1/1, अब tan theta क्या होता है p/b, मतलब मैं p को क्या मान सकता हूं x, लेकिन जब आप लोग कॉपी में लिखोगे एग्जाम में तो इज्जत से लेट p बी x देन b विल बी x, बात समझ में आई, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पेपर में लिखोगे तो इज्जत से एकदम, अगर मैं p को x माना तो b भी क्या हो जाएगा मेरा x। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये a के लिए था तो ये भी x, ये भी x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट x square plus x square कितना हो जाएगा 2x square, तो अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 2x आ गया, बस। अब साइन लिखना था, साइन तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो एक्स बाई रूट टू एक्स, एक्स ने एक्स को बेरेमी से तो 1/√2, कॉस ए क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेम एक्स बाई रूट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1/√2। तब था क्या ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल, आपका पी भी एक्स आया, बी भी एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x square, तो अंडर रूट 2x square, 2 का अंडर रूट 2 लिखोगे और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स, रोहन ये यहां पर छोड़ देना एक बार, सबको यहां पर अपना अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख लेंगे। सॉरी दो है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सॉरी 1 सॉरी 2 लिख दियो, एक बार सबको अपनी अपनी स्पेलिंग भी देख लेना नाम की, इसमें कितने लोग एब्सेंट है आज,
बाकी तुम के नाम नहीं है ना, लिख देना इसमें नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख देना, नाम क्या यहाँ पर ये वाले कॉलम में लिख दो। हाँ ये टफ था क्या, टफ था क्या? कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो बाकी सारे निकाल सकते हो एकदम आसानी से, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा यहाँ तो मैं लिखना ही भूल गया है ना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। चलो पहले ये कर लो, इजी है, फाइंड कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से कहाँ लिखा हुआ है, उसमें किसी का नहीं लिखा हुआ है, लिख दो एक बार। वहीं पर हाँ उसके इधर लिख दो, चलो कहीं भी लिख दो। करो 29 × 29 करो, पीछे दे दो। क्वेश्चन बदल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है भैया, लगाइए, लग गया। हमारा खुद का नहीं आया क्या? कोई भी एबसेंट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे रीजन भेजेगा ना एबसेंट होने से पहले। सर मैं आज नहीं आऊंगा ये कारण है, बस इतना तो करना है। क्यों बट प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन। रोहन कैसा लगेगा कैमरा के सामने उठक बैठक करते हुए, कैमरा नीचे करता और वो आ जाओ, ऐसे नहीं तुम्हारे साइड ही कर देता हूं। एक साल से वेट कर रहा था इस कैमरे का मैं। पिछले साल जो 10th की बैच थी ना उनको स्टार्टिंग में बोला था कैमरा आ रहा है कैमरा आ रहा है, और जब उनका एग्जाम हो गया ना उसके अगले दिन आया ही है आखिरी एग्जाम के। आया आंसर, जल्दी अटेम्प्ट करो, तुम भी बीच में क्वेश्चन करते रहो अपने, तुम भी, अच्छा तुम में से यही नहीं हुआ अभी तक, और वो भी बचपन से आईसीएसई में हो। एट से है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री,
क्वेश्चन रेडी? हाँ हुआ ये? कितने लोगों का आंसर आया? सही गलत कुछ भी आंसर आया? सही आया है। हाँ। हो सकता है आशिता कर लो उसको। हर्षिता और कोई थोड़ी है? नहीं है, नहीं आया कोई, आशिता ही होगा, वो गलती से लिख दिए होंगे, उनकी स्पेलिंग बहुत भस्की हुई है। नहीं पता है, जब आए थे ना हम स्टार्टिंग में, तो फीस जो लेते थे, कलेक्ट करते थे, उसकी स्पेलिंग क्या लेते थे? PHISE, फीस। फिर मैं उनको बताया, भैया क्या स्पेलिंग लिखो, मेरे को समझने में आधा घंटा लग गया। फिर उसके बाद सुधारते 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 अब सही लिखते हैं। नहीं, फिर PHISE से FISH हुआ था, फिर अब करेक्ट हुआ है। ये वाले को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किए, लेकिन ना कैंसिल हो जा रहा है वो। क्या कैंसिल हो? साइन जैसे कि इसको कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, और साइन बाय कॉस लिख दो उसको। नहीं तो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? जैसे कि 1/10 a प्लस कॉट है, तो कॉट का 1/10 हो जाएगा। अब वो एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया, हाँ तो कॉस स्क्वायर 1/ कॉस स्क्वायर रहेगा ना, अपॉन में मतलब डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो एक एक कट गया आगे आंसर। हाँ देखो इधर, बहुत समय मिल गया, अभी इधर देखो, रख दो पेन, रख दो। हाँ एक बार इधर देखो, फिर लिखना, इधर देखो सबको। सिंपल है भैया, वैसे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, जब मैं आइडेंटिटी पढ़ा दूंगा तो आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 डायरेक्ट, है ना। बट अभी जब आपको नहीं मालूम है तो आपको करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इट इज 1। और खैर अगर आपको जब बाद में पता भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मान लो 3 नंबर का सवाल आया है तो डायरेक्ट नहीं लिख क्या सकते भाई, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, फिर 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी 29 है, ये 21 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना आ जाएगा 20, है ना। 29 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करो, माइनस करो, 400 आ जाएगा, तो 400 का अंडर रूट 20। बात समझ में आई? ये पाइथागोरस थ्योरम कितने लोग लगाए थे? सब ने लगाया था ऑलमोस्ट, है ना। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ गया आपका 20। तो अब बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब 21/29। अब इसका स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखना सबको, इधर ध्यान से देखो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखूं चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा लिखूं चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों सेम बात है, ये बात एकदम बैठा लेना दिमाग में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, नीचे कॉमन है एलसीएम, तो ऊपर में क्या जाएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो अभी तो आपने करके दिखाया था 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 29 के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? एच स्क्वायर के। तो इन दोनों का सम में क्या लिख सकता हूँ? 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर,
29 के स्क्वायर ने 29 के स्क्वायर को बेरहमी से आंसर आ गया, जो कि हमेशा आएगा. साइन स्क्वायर थीटा, मैं कोई भी वैल्यू दे देता यहां पर, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1. ठीक है क्या? चलो किसका, हाँ मतलब यहां पर बी ये एंगल को बोलता रहा है ना. मैं बोला ना थीटा लिखो, चाहे कोई ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, एंगल को डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ ये जो बी है वो एंगल को डिनोट कर रहा है ना. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसको प्रूफ करना है. अच्छा हाँ एक बात बताओ मेरे को पहले, सबसे पहले पिछले साल क्लास नाइन्थ में मैथ्स में एक सिमिलैरिटी टाइप का चैप्टर पढ़े हो? अच्छा नहीं, सिमिलैरिटी तो आपका इस साल है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो फिर भी. पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी था, इस साल सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी टेंथ में है ना. चलो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, वैसे ये दोनों कर सकते हैं आईसीएसई वाले बस. चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, हाँ इसको प्रूफ कर दो. चलो जल्दी से, साइन बी इज इक्वल टू साइन सी दिया है, जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में साइन बी इज इक्वल टू साइन सी दिया हुआ है. आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा हाँ आशीदा खड़े हो जाओ. नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं. ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन सी है, साइन बी इक्वल टू साइन सी है, ये गिवन है अगर, तो प्रूफ करना है आपको कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है. जल्दी से लिख के करना है, भैया दो नंबर का सवाल है, मान लो लिख के करो, लिख के करो ना. तो ट्राई तो करो, नहीं आता बोलने से थोड़ी होगा, आता है तो करूंगा, नहीं आता तो कैसे पता चलेगा? नई चीज कैसे सीखोगे बिना ट्राई करे? नहीं तो साइन बी इक्वल टू साइन सी है तो आप एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वही तो प्रूफ करना था पिछले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के प्रूफ करना है. ठीक है अब करो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के प्रूफ करना है, दो लाइन का है, एक नंबर का सवाल है. आज कौन सा पहला सैटरडे है ना, बैंक कब कब बंद रहता है? थर्ड और फोर्थ सैटरडे. एक लाइन का है, चलो इधर देखो हुआ अटेम्प्ट, एक लाइन का है आंसर, एक लाइन का कि दो लाइन का? तीन लाइन, तीन लाइन. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है आइसोसेलेस. अच्छा पहले बेसिक कम से कम याद रखना ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं. बेसिक ही याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के क्या करोगे, है ना, याद होना चाहिए एकदम. आसान बोल तो रहा हूं मैं, आसान मैं कहां बोल रहा हूं कि टफ है, मैं तो बोल रहा हूं पूरा एनसीईआरटी आसान है. मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे पूरी बुक में जो अच्छे खासे लेवल के होंगे, बाकी सारे आसान है. देखो साइन बी इक्वल टू साइन सी दिया है, लिख दो साइन बी क्या होता है, साइन सी क्या होता है, हो गया प्रूफ दो मिनट में. चलो तो एंगल इक्वल कहां दिया है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन सी दिया, बी इज इक्वल टू सी नहीं दिया, या तो उसको प्रूफ करो पहले. और वही सवाल तो था ये उसी टाइप का, अगर मान लो साइन सी इक्वल टू साइन आर है तो एंगल सी को एंगल आर के बराबर प्रूफ करो. चलो देखो सिंपल है, एक लाइन या दो लाइन देखो लिखो, साइन बी इक्वल टू साइन सी है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो जब मैं साइन बी लिख रहा हूं, साइन बी, तो साइन बी के लिए इधर देखो सबका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आपस में बातें नहीं,
साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब ए सी बाई सी बी होगा। अगर मैं साइन सी लिखूं, साइन सी, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस, तो ए बी बाई सी बी लिख रहे हो, ठीक है। अब साइन बी इक्वल टू साइन सी बोला है, मतलब दिस इक्वल टू दिस होगा, तो ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी, सी बी ने सी बी को मार डाला, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्रूव्ड। हाँ ऐसे करना था, क्या ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना था एसएसएलएस के लिए, हो गया, एंगल को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप अगर एंगल को इक्वल करने बोलता तो दो साइड इक्वल है तो आप तुम लगा सकते थे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, सवाल बहुत हो गए, अब स्पेसिफिक एंगल का रेशियोज में आता है, लिखना था, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। आज की ये क्लास अभी तुरंत YouTube में अपलोड कर दूंगा। अच्छा जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं आज हो जाना चाहिए, एडमिशन IIT JEE NEET, ठीक है। और उसमें कुछ मजेदार वीडियोस भी हैं, आले ले लो, दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। और चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा, IIT JEE NEET हटाना पड़ेगा, एडमिशन बस, पता चला 9th-10th के बच्चे IIT JEE NEET देख के नहीं आ रहे हैं। अरे तो स्टार्ट किया था मैं उसमें IIT JEE NEET के वीडियोस डालना, और पिछले 3 साल से एक भी वीडियो नहीं डाला था उस चैनल में, अब डालना चालू किया हूं ये बोर्ड और ये आने के बाद। 3 साल पहले जब डालता था तब अच्छे खासे व्यूज आते थे, फिर ऑफलाइन कोचिंग खोल लिया यहाँ पर, फिर ऑनलाइन भूल ही गया था मैं, फिर अभी रियलाइजेशन हुआ कि ऑनलाइन जाए बिना नहीं पार पड़ेगी। हाँ ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। अब देखो यहां पर, देखो ध्यान से एक बार एकदम क्विक रिवीजन क्या पड़े। सबसे पहले अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, पी बी और एच, इन्हीं के रेशियोज को अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आशिता, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड में यहाँ पर, ठीक है। अपन ने सबसे पहले देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पी बी और एच इनके जो रेशियोज हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पी बाई एच को नाम दिया साइन थीटा, बी बाई एच को नाम दिया कॉस थीटा, पी बाई बी को नाम दिया टेन थीटा, इनके रेसिप्रोकल को नाम दिया कोसेक सेक और कॉट थीटा। बात समझ में आई पक्का, ठीक है। बस फिर अपन ने बताया साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। साइन बाई कॉस होता है टेन, कोसेक बाई सेक होता है कॉट, उल्टा कर दो कॉस बाई साइन तो हो जाएगा कॉट, सेक बाई कोसेक कर दो तो हो जाएगा टेन। टोटल ये 10 रिश्ते थे, है ना, ठीक है। पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए, फिर 10 उनके बीच का रिश्ता डिफाइन किए, इज दैट क्लियर। फिर सवाल किए, देखे थ्योरी इतनी सी थी लेकिन उसके ऊपर कई अलग अलग टाइप के सवाल बने, और भी सवाल हैं, लेकिन मैं अब इतने सारे क्वेश्चंस क्लास में करा दूंगा तो घर जाके होमवर्क में दिमाग क्या लगाओगे, है ना। तो और बाकी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के तब मिलेंगे, और अलग टाइप के क्वेश्चंस जब अलग रेफरेंस बुक करोगे तो और मिलेंगे। बात समझ में आई, तो इस टॉपिक के ऊपर पूरे क्वेश्चंस मैंने क्लास में जितने कराए, अब वो होमवर्क रहेगा आपका पहला एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होमवर्क कल के लिए, क्योंकि दिन भर का काम है अभी, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज होमवर्क, ठीक है। तुम्हारा तो आइडेंटिटी के ऊपर, इसी के ऊपर करना क्वेश्चंस, है ना, तुम्हारे में भी आइडेंटिटी होगा पूरा। हाँ कल भी क्लास है, सबको याद रखना कल भी क्लास है, 9 बजे की क्लास है, तो आगे का करना। और सुनो, अब आगे सुनो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी एक टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है। अब नए टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स है जो अपन को याद करने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इन सब की वैल्यू अभी ही याद करके यहां से बाहर जाना है, ठीक है।
मतलब इस क्लास के बाहर निकलो तो ये याद होना चाहिए वो टेबल, ठीक है। और वो मैं याद कराऊंगा अभी कैसे याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो सबको। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वो दे देता हूँ, डेरिवेशन किस टाइप से आ रहा है क्या आ रहा है। प्रॉपर डेरिवेशन काम का नहीं है, वैल्यूज याद होना सबसे ज्यादा काम का है, ठीक है। वैल्यूज जितनी भी हैं वो पूरी एकदम भूल जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? कैसे आई वो मैं बता दे रहा हूं, वो भी मतलब ध्यान रहे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? अरे बोलते क्यों नहीं हो, नाश्ता वास्ता नहीं किए हो? नाश्ता करके आना कल से, है ना, 11 बजे तक की क्लास है, दिमाग कैसे चलेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, मान लो ये देखो, ये तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं सबको, दिख रहे हैं? कोई बाहर का हल्ला, अरे एक ये ग्रीन, एक ये पूरा ब्लू, इसके पीछे छुपा हुआ है ना, और एक पूरा ये, ठीक है। अरे नाम दे रहा हूं, ओ एक ओ ए एफ ओ बी ई ओ सी डी, दिख रहा है तीन ट्रायंगल, दिख रहा है। अब तीनों ट्रायंगल में क्या ये एंगल ओ सेम है? हाँ, थ्री बाई, हाँ रूट थ्री होगा। ये तीनों ट्रायंगल में ओ ए एफ ओ बी ई ओ सी डी, ये तीनों ट्रायंगल में एंगल ओ बराबर है, एंगल ओ बराबर है। चलो अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो साइन ओ क्या होगा, पी बाई एच होगा, एच यहां पर यहां से यहां तक। साइन ओ इस ट्रायंगल के लिए बोलूं तो अगेन पी बाई एच हो जाएगा, और साइन ओ की बात करूं इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो ये हो जाएगा पी और ये पूरा हो जाएगा एच। मजेदार बात यह है कि तीनों ट्रायंगल में पी बाई एच की वैल्यू क्या आई, सेम। मतलब अगर ये पी यहां ये डबल हो रहा है तो ये एच भी क्या हो रहा है, डबल। ये पी यहां पर तीन गुना हो रहा है तो एच भी क्या हो रहा है, तीन गुना। तो मजेदार बात ये आई, कभी भी कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कभी भी अगर उनका ये एंगल बराबर है तो उनका जो ये रेशियोज है पी बाई एच पी बाई एच पी बाई एच, वो हमेशा क्या आ रहा है, चाहे छोटा ट्रायंगल बनाओ चाहे बड़ा, पी बाई एच की वैल्यू सेम आई हर बार, क्या आई, सेम। मेजर करके देखे तो अपन ने बोला अच्छा हाँ, एंगल चेंज होने में इनका रेशियो चेंज हो गया, बट अगर एंगल फिक्स था तो पी बाई एच की वैल्यू फिक्स थी। तो बोले वाह, ये तो वैल्यू फिक्स आती है, मतलब मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो फिक्स आ रही है, चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, अगर 30 डिग्री है तो पी बाई एच की वैल्यू फिक्स है। तो बोले क्यों ना ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं इनको याद कर लिया जाए, है ना, और निकाले कैसे वो भी मैं बताऊंगा, है ना, थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा निकाले कैसे, बट अल्टीमेटली क्या याद रखना है, रेशियोज, कि साइन 30 चाहे आप कैसा भी कहीं पर भी ट्रायंगल बनाओ, अगर साइन 30 निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। बात समझ में आई, 1/2 मतलब परपेंडिकुलर का डबल ही होगा हाइपोटेन्यूस, अगर ये 30 डिग्री है तो। कैसा भी ट्रायंगल, अगर यहां पर आप ट्रायंगल बना लो, कॉपी में बना लो अपने, कहीं पर भी बना लो, अगर ये 30 डिग्री है और इसको नाप लो, इससे हमेशा डबल होगा ये, हमेशा। बात समझ में आई, तो ये एकदम स्पेसिफिक आया और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आई। तो इन वैल्यूज को अपन कर लेते हैं याद, और इन्हीं को अपन बोलते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। एकदम अब एक बात बताओ, 0 से लेकर 90 तक सारे एंगल याद करना पॉसिबल है कि 0 डिग्री भी याद कर लिए, 1 डिग्री भी याद कर लिए, 2 डिग्री भी? तो स्पेसिफिक एंगल्स जो अपने सबसे ज्यादा काम की आती हैं, अपन वो एंगल्स को याद करते हैं, और वो मैंने भी आपको बताया कौन कौन से हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ वैल्यू आई कैसे, फिर सीधे चलेंगे वैल्यू रटने में। बात समझ में आई? अब वैल्यू आई कैसे, फिर आशिता कॉन्सेंट्रेट करो ना, भूल जाओगे कॉन्सेप्ट को, है ना, नोट्स लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा, मेरे को बोल देना ना सर वाली स्लाइड ओपन करो, डरने की तो कोई बात है नहीं, है क्या, बिल्कुल हाँ, अरे मेरे से डरने की बात बोल रहा हूँ भैया। हाँ अब मान लो 0, साइन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, एंगल कम करते जा रहा हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, एंगल कम होते जा रहा है। अब देखो ये जब एंगल आप कम कर रहे हो, ये एंगल कम कर रहे हो तो पी कम होते जा रहा है। अब आप सोचो अगर मैं ये एंगल को जीरो कर दूं तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और एच तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो बाई समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो इसीलिए साइन जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो। साइन जीरो डिग्री इज ऑलवेज जीरो। कहां से आया बात समझ में आई, क्योंकि अगर एंगल जीरो हो गया, अगर एंगल जीरो हो गया तो पी तो खत्म, पी जीरो तो साइन थीटा भी जीरो। लेकिन अगर ये एंगल जीरो है तो कॉस की वैल्यू बताओ, अब ये एच और बी बराबर हो गए। अगर ये एंगल जीरो हो जाएगा तो क्या एच और बी बराबर हो जाएंगे, अगर एच और बी बराबर हो गए तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर दोनों बराबर हो गए तो कट के कितना आ जाएगा, वन। इसलिए याद रखना कि जब भी एंगल जीरो होता है तो साइन थीटा कितना होता है, जीरो, और कॉस थीटा कितना होता है, वन। बात समझ में आई, तो इसी तरीके से आंसर निकाला गया। और कैसे निकाला गया मैं बता रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, हाँ बताओ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसा लग रहा था तुक्का मार रहा है। हाँ चलो चलो इक्विलेटरल, टेंथ के बच्चे हो, आओ शकल दिखाओ ना कैमरे में, आओ ना आज यूट्यूब में जाएगा, आओ। हाँ मेरा तो दिमाग तब खराब हुआ था जब पहली बैच ले रहा था मैं और क्लास टेंथ के बच्चों को मैं पूछा एरिया ऑफ सर्कल, 10 लोगों ने गलत आंसर दिया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, क्लास टेंथ के बच्चे एरिया ऑफ सर्कल याद नहीं है, यहाँ है ना सबको याद, छोड़ो मैं अभी नहीं अपना मूड खराब करना चाहता, मैं पता चला पूछा और किसी को नहीं बना था। चलो हाँ आशिता आओ यहाँ बताओ, क्या होता है, वेरी गुड, एक बार ताली हो जाए, पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ रोहन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये टेंथ के बच्चे हैं भैया, ये टेंथ के बच्चे हैं। हाँ टू पाई आर, तुम आईसीएसई में हो, तुम सोच रहे हो। चलो 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 अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब दिख नहीं रहा मान लो, लेकिन है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 60 होते हैं, पता है कि नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बेसिक चीजें एटलीस्ट। नहीं पता है तो पूछ लेना, थोड़ी हंसी मजाक हो जाएगी इसी बहाने क्लास की, है ना, और उससे कभी भी मत डरना, है ना, अच्छा है, हंसी मजाक हो रहा है थोड़ा सा, लोग तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे, तुम्हारे साथ हंस रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को 90% केसेस में यही नहीं पता होता है लोग हंस क्यों रहे हैं, बस हंसना चालू हुए तो हंसना चालू कर देते हैं। बात समझ में आई, 90% केसेस में, मूवी भी देखने जा रहे हैं कई लोग को कुछ नहीं समझ में आ रही तो भी अरे हंसी चालू हुई, है ना, तो ये बात याद रखना। तो हमेशा मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं मेरे से ज्यादा इंट्रोवर्ट इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है, जब तक था मैं स्कूल में, ठीक है, तो हमेशा मेरे को लगता था कोई भी हंस रहा है मेरे ऊपर ही हंस रहा है, भाई मेरे ऊपर नहीं हंस रहा है, मेरे साथ हंस रहा है। बात समझ में आई, आप चुप हो तो आपके ऊपर हंसने का लगेगा आपको दिमाग, आप भी हंस लो तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ हंस रहे हैं, समझ में आया। और बेसिक चीज कुछ नहीं आती तो पूछ लो, ठीक है, भले नाइन्थ की हो, एट की हो, चाहे फिफ्थ की हो, है ना, एलसीएम एचसीएफ भी नहीं बन रहा है कहीं पर तो पूछ लो, ठीक है। चलो 60 डिग्री होता है, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड बनाऊ, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, वर्टेक्स से सामने वाले साइड में 90 डिग्री ड्रॉ करो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, है ना। अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊ तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, सारा सिमेट्रिक है तो ये पूरा एंगल आधा था बढ़ जाएगा, ये 30 बन जाएगा। अब अगर इसकी साइड्स को अगर मैं ए मानू तो ये हो जाएगा ए बाई टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकालोगे तो आपको वहां से साइन 30, कॉस 30, साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू मिल जाएगी। आई कहां से ये बता रहा हूं, जो भी वैल्यू रटाऊंगा ना तुम लोगों को, वो आई कहां से बता रहा हूं मैं, है ना, तो यहां से वो वैल्यूज आ जाती हैं जिनको अपन रटते हैं। तो डायरेक्ट आए रटने वाले में, आए अब इतनी सारी वैल्यूज याद करनी है, जितने डब्बे हैं अभी भरेंगे इन डब्बों को, है ना, जितने भी डब्बे हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इतने बड़े डब्बे को याद करने की जरूरत नहीं है, कितने याद करने हैं, कितनी वैल्यूज याद करनी है, कितनी वैल्यूज याद करनी है, कितनी वैल्यूज याद करनी है, मेरे साथ बोलेंगे, 1/2, 1/√2, 3/2, 1/2, 1/√2, 3/2, 1/2,
वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू बोलो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू। चलो अब साइन जीरो तो जीरो होता है, अभी बताया साइन जीरो कितना होता है जीरो, क्योंकि एंगल जीरो तो पी निपट गया, पी निपट गया तो साइन थीटा भी निपट गया, कितना आ गया जीरो। अब तीन वैल्यू वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री टू, बस तीन वैल्यू याद करनी है ठीक है। और अपन ने अभी देखा था कॉस जीरो कितना होता था वन, तो वैसे ही साइन 90 कितना होता है वन। ये इसका रीजन सुनो क्यों होता है, इसका रीजन सुनो क्यों होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 है। अब मान लो अगर मैं दूसरे को भी 90 कर दूं अप्रोक्सीमेट, एक्जेक्टली 90 तो नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा है ना। मान लो मैं दूसरे को कर दूं 89.99999999 तो जाके जुड़ेगा कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में, अरे एक किलोमीटर ऊपर जाके जुड़ेगा, जुड़ेगा क्योंकि मैं एग्जैक्टली 90 नहीं लिया, कितना लिया 89.99999999999 है ना, तो वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में जाके जुड़ेगा। अब एक बार बताओ अगर इनफाइनाइट में ये दोनों लाइन जाके जुड़ेंगी तो क्या मैं इन दोनों साइड्स को बराबर मान सकता हूं, मान सकता हूं। और अभी इस एंगल की बात हो रही है 89.99999, इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, क्या दोनों बराबर हो गए, तो साइन 90 कितना हो जाएगा पी बाई एच, और पी और एच क्या है आपस में बराबर, तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। रीजन भी पता होना चाहिए, रटना तो है ही, ये तो एकदम घोल लेना है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा रीजन पता होता है तो कॉन्फिडेंस आता है रटने में है ना, कि कहां से आई चीजें क्यों आई। तो बस तीन वैल्यू याद करनी है, वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू, कितनी वैल्यू याद करनी है वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू। बस अब करना कुछ नहीं है, उल्टा कर दो वहां से, क्या लिखा है लास्ट में, फिर क्या लिखा है, अब आपको मालूम है साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो जीरो बाई वन, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो टू टू कट जाएगा वन बाई रूट थ्री। करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, नहीं नहीं मैं डिवाइड भी नहीं कर पा रहे होंगे तो हाँ क्या लिखा हुआ है वन बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वन बाई टू इंटू टू बाई रूट थ्री, टू टू कट गया कितना आ गया वन बाई रूट थ्री ठीक है। सेम चीज को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, अभी इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो टू टू कट जाएगा, सिंपल कितना बन जाएगा वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, और मतलब एग्जैक्टली जीरो, अगर एग्जैक्टली 90 की बात करूं तो नॉट डिफाइंड, बट 89.999999 की बात करूं तो कितना आंसर आएगा इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्यों, आप खुद बताओ, इधर देखो वन अपॉन एग्जैक्टली जीरो तो नॉट डिफाइंड है बट अप्रोक्सीमेटली जीरो, 0.01 की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, अरे नीचे दो डेसिमल हटाने हैं तो ऊपर दो जीरो लगाओगे, अब 1/0.00001 की वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 होगी नहीं 10,000 होगी, 10,000 होगी, मतलब नीचे वैल्यू जितनी छोटी होती जा रही है ये वैल्यू उतनी बड़ी बनते जा रही है। अब सोचो अगर नीचे वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली जीरो ही कर दो तो वैल्यू कितनी बन जाएगी इनफाइनाइट। 1/ बहुत छोटी वैल्यू इज बहुत बड़ी वैल्यू, एंड 1/ बहुत बड़ी वैल्यू इज बहुत छोटी वैल्यू, तो दो बातें जो अपन जनरली यूज करेंगे अप्रोक्सीमेटली यूज करेंगे याद रखना, 1/0 को इनफाइनाइट और 1/∞ को जीरो। अब ऐसे मत बोलना सर 1/0 तो एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड है, एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड है लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट जीरो, 1/अप्रोक्सीमेट जीरो इज इनफाइनाइट एंड 1/∞ इज जीरो। ये याद, ये यूज करेंगे फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, इसीलिए मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, 1/0 को क्या लिखेंगे इनफाइनाइट और 1/∞ को क्या लिखेंगे, मतलब 1/ बहुत छोटी वैल्यू इज बहुत बड़ी वैल्यू, 1/ बहुत बड़ी वैल्यू इज बहुत छोटी वैल्यू, याद रखोगे ये पक्का, भरोसा कर लूं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके पास है ना। चलो अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक
तो जीरो का रेसिप्रोकल भैया, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। वन बाई टू का रेसिप्रोकल, वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल, रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल, वन का वन ही होता है लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल जीरो नहीं होता है, याद रखना ठीक है। कसा जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गए तुम लोग। वन का रेसिप्रोकल रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल, वन बाई रूट टू का, वन बाई टू का, जीरो का, ठीक है फिर जीरो का, वन बाई रूट थ्री का, वन का, रूट थ्री का, नॉट डिफाइंड का, वन अपॉन इंफिनिटी बोला ना जीरो होता है, वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है जीरो। तो अब आपको अभी सिर्फ तीन वैल्यू याद करनी है, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू। हाँ चैप्टर के एंड होते तक आप डायरेक्ट बिना ये टेबल लिखे डायरेक्ट करना सीख जाओगे, खुद से याद हो जाएगा अगर इज्जत से क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो, मतलब हर सवाल को जितना समय देना चाहिए उतना समय अगर आप दिए हो तो एट द एंड तक आपको डायरेक्ट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ स्टार्टिंग में आप मान लो एग्जाम में बैठे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे फाइनल, तो पीछे रफ में आप तुरंत ये टेबल बनाओगे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, फटाफट साइन क्वेश्चन को सेक्स अकॉर्ड लिखे, तीन वैल्यू लिखे उसको अपोजिट कर दिए, पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये तीनों को लिखो। मान लो आपको बोल दिया कोसेक 30 बताओ, तो आपको मालूम है कोसेक किसका उल्टा है साइन, साइन 30 1 बाई टू लिखा हुआ था ही आपकी कॉपी में तो उसका उल्टा कर देना 2। अब आप बताओ खाली इतना टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक मिनट डेढ़ मिनट स्टार्टिंग में, दो मिनट है ना। तो एग्जाम में गए पहले ही रफ पेपर में पीछे बना लिए, अब देख देख के जो वैल्यू लिखनी है लिख दिए, गलत होने का चांसेस है, तो कितनी वैल्यू याद करनी है, वन तीन, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? कल से नाश्ता करके आएंगे ना सबको, अगर एनर्जी कम लगी फिर मैं बताऊंगा मैं, तो यहाँ नाश्ता, हाँ यहाँ अच्छा वाला नाश्ता मिलेगा फिर है ना। मेरे को तो गर्मी लग रही है, एनर्जी तो मेरी जा रही है। या उसका मुंह इधर करना पड़ेगा मेरे को एसी का। चलो हाँ क्लियर है, जल्दी से टेबल बनाए कॉपी में, हाँ तो लिखे होंगे कॉपी में तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी इंक घिसा जाएगी, थोड़ा सा पेपर यूटिलाइज हो जाएगा, हाँ बुक में तो सब लिखा हुआ है। वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, कोशिश करो बिना देखे लिखने की, कोशिश करो, नहीं दिखेगा तो सामने है ही लिखा हुआ ही है, नहीं बनेगा तो, बट कोशिश करो बिना देखे लिखने की। कितने लोगों का फॉर्म भरा हुआ है यहाँ पर एडिमेंशन में, हाँ नॉर्मल पेपर में प्रिंट करके दे दिए थे क्या कभी आप, इतना मस्त डिजाइन किया था मैं पूरा कलरफुल अलग अलग कलर से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके दे दिए। तुम का दोनों का फॉर्म भरा हुआ है ना, बाकी कल आज लास्ट है डेमो क्लास तो कल से सब कोई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसका नहीं हुआ है। वैसे तो 3 तारीख तक ही थी डेमो क्लास, आज से मेन क्लास थी, बट चलो 1 hour 34 minutes की रिकॉर्डिंग हो गई है, आधा बीच बीच का बकवास हटाना पड़ेगा एडिट करके इसमें से वीडियो में से। इसके बाद मैं अपना YouTube चैनल दिखा दूंगा जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है जाके।
कितने लोग कर रखे हैं? नहीं, मेरा एक आईटी मेंशन सैनी का नौदा है, एक आईटी मेंशन आईटी से ही है, एक लिटिल वंडर्स का चैनल है और एक इशिका अग्रवाल क्लासेस है, इशिका कॉमर्स का। चार ही तो हुए फिर भी नहीं, हाँ पांच हो गए। आईटी मेंशन सैनी का नौदा है, आईटी से ही, लिटिल वंडर्स, अच्छा एक 8, 9, 10 का अलग बना हुआ है लेकिन उसमें अब मैं डालता हूँ वीडियो, उसको डिलीट ही करना है उस चैनल को, और एक हो गया, अब पांच हो गए। लिख लिए होमवर्क, पहली एक्सरसाइज ही है कल के लिए, है ना? भैया मेरे में 27 क्वेश्चन, मेरे में 33 क्वेश्चन।